हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन जॉब अपडेट पे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं BSF रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में, क्या लेटेस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आए वो आपको पूरी तरह मिल सके। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि BSF रिक्रूटमेंट के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों एक आप बात करने जा रहे हैं, BSF की बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी एक वैकेंसी आ चुकी है। इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम BSF के जो हेड कांस्टेबल SI और कांस्टेबल और अदर वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपको SI की, हेड कांस्टेबल की, सिटी क्रू, मैकेनिक, SC टेक्नीशियन, प्लम्बर और अदर ग्रुप B&C की वैकेंसी। और इससे पहले बात कर लेता हूँ, क्योंकि BSF के जो पिछली वैकेंसी चल रही है रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर की, उसका रिजल्ट कब आएगा आपके सामने मैं लाइव बता रहा हूँ, ये लाइव चल रहा है शेड्यूल। और दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 317 SI और SC कांस्टेबल और अदर रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलते हैं, आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर बताना है कि ये जो नोटिफिकेशन आया है रिक्रूटमेंट आई है नहीं आई है। चलो ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, गूगल पे। तो दोस्तों हम फाइनली BSF के गूगल पर आपको सर्च करना है BSF रिक्रूटमेंट। अगर गूगल पे सर्च करने के बाद आपका ये आ जाएगा BSF रिक्रूटमेंट 2020 317 SC ST पोस्ट, और इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे खुल जाएगा, यहाँ पे आपका खुला BSF रिक्रूटमेंट 2017 317 SI हेड कांस्टेबल और अदर वैकेंसी। इससे बात करते हैं पूरा डिटेल के साथ। नेम ऑफ द पोस्ट BSF की, SI हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और अदर ऑफलाइन फॉर्म, ये फॉर्म आपका ऑफलाइन रहेगा। इसमें पोस्ट डेट यानी 15/2 को ये पोस्ट आई है। उसके बाद टोटल वैकेंसी की बात करते हैं जो 317 वैकेंसी है। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज गिवन नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ SI हेड कांस्टेबल, सिटी मैकेनिक, SC टेक्नीशियन, प्लम्बर और अदर ग्रुप B और C। इसमें आपका नोटिफिकेशन आपने BSF ने भेज दिया है। और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो अप्लाई एलिजिबिलिटी चेक करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस, जो SI के लिए 200 रुपये फीस है और हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर वर्कशॉप इंजन सिटी के लिए 100 रुपया फीस है। पेमेंट आपको डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा करना है, फॉर्म इसका ऑफलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट करने का कोई मोड नहीं है, आपको इसका डिमांड ड्राफ्ट में पेमेंट करना होगा। और डेट ऑफ 15/2 को, ये 15 फरवरी को यानी अपडेट हुआ है, और लास्ट डेट इसकी है 30 दिन ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, यानी 15 फरवरी को आया है तो इसका लास्ट डेट होगा आपका 15 मार्च तक। और लास्ट डेट ऑफ रिसीट एप्लीकेशन फॉर फ्लंग एरियाज, जो दूर एरिया है वहाँ पर आपका 45 दिन इसका माना जाएगा। अब मिनिमम बात करते हैं, मिनिमम एज इसकी 20 साल है और मैक्सिमम एज इसकी 28 साल है। और इसमें कितनी वैकेंसी है ये बात कर लेते हैं। वैकेंसी डिटेल, SI 5, इंजन ड्राइवर 9, वर्कशॉप 3, SI के लिए मास्टर डिग्री में 10+2 होना चाहिए, SI इंजन ड्राइवर दोनों के लिए। उसके बाद में SI वर्कशॉप में 3 पोस्ट है, इसमें डिप्लोमा या बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके बाद हेड कांस्टेबल मास्टर, इंजन ड्राइवर वर्कशॉप, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, SI इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर, सिटी, इसमें 160 पोस्ट हैं। इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन 10th होना चाहिए। तो दोस्तों ये था, और इससे अब हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, क्योंकि किसी को डाउट होगा कि ये फेक है, लेकिन फेक नहीं है। इससे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिखा है, इस पर हमको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आपका डाउनलोड हो चुका है। इसमें आपका, इसमें देख लेते हैं, डायरेक्ट जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स न्यू दिल्ली पर्सनल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेक्शन, नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ SI मास्टर, SI इंजन ड्राइवर, SI वर्कशॉप, SI मास्टर, SI इंजन ड्राइवर, SI वर्कशॉप एंड क्रू, BSF वाटर,
दोस्तों वीडियो लाइव चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी कैंडिडेट जुड़े और भर्ती के बारे में देख सकें। उसके बाद ऐसे ही मास्टर की जो जनरल की चार पोस्ट है, EWS की एक, OBC की कोई पोस्ट नहीं, SC ST कोई पोस्ट नहीं, इसमें मिलाकर पांच पोस्ट हैं। लेवल 6 में है, इसमें 35,000 से 1,12,400 रुपये दिए जाएंगे। एज आपकी 22 से 28 साल है और इसमें 10+2 होना चाहिए। उसके बाद सेंट्रल स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसफर अथॉरिटी मैकेनिक डिपार्टमेंट का आपके पास कोर्स होना चाहिए। उसके बाद इंजन ड्राइवर की ये पोस्ट हैं, इसमें आपका 10+2 और फर्स्ट इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद ऐसे ही वर्कशॉप की बात कर लेते हैं, ये पोस्ट हैं और इसमें बैचलर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियर या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद हेड कॉन्स्टेबल मास्टर हैं, इसमें आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और शेयरिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं SC इंजन ड्राइवर की। इंजन ड्राइवर में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और क्लास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये बात है। और हेड कॉन्स्टेबल वर्कशॉप ट्रेड के लिए पोस्ट हैं, इसमें आपका 20 से 25 उम्र होने चाहिए और इसमें मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और इंडस्ट्री टेलिंग डिप्लोमा होना चाहिए, जो डीजल या पेट्रोल इंजन मैकेनिक कार बैटरी इलेक्ट्रिशियन और एयर कंडीशन कोई भी में डिप्लोमा होगा वो चलेगा। तो ये जिनके पास ये है वो ज़्यादा भर सकते हैं। इसमें पोस्ट अलग है, इलेक्ट्रिशियन, SC टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कारपेंटर प्लम्बर, ये पोस्ट हैं। उसके बाद सिटी क्रू, इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं और लेवल 3 की है ये। इसमें मैट्रिकुलेशन 10th होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस, बोट बिलो 265 हॉर्स पावर, इसमें नाव चलाने का यानी 265 हॉर्स पावर की कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें इस प्रकार कुल मिलाकर 317 पोस्ट हैं। और ये आपका ऑफिशियल वेब नोटिफिकेशन है और 30 दिन के बाद तक फॉर्म भरा जाएगा। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एग्ज़ाम फीस मैंने बता दिया, 200 रुपये, और अदर के लिए यानी इंजन ड्राइवर और CT के लिए 100 रुपये हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए, इससे यदि और जानकारी चाहिए तो आप BSF के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रोजगार समाचार पढ़ सकते हैं, रोजगार समाचार लेकर पढ़ सकते हैं। और ये KS राणा कमांडर रिक्रूटमेंट, इस प्रकार ये BSF की वेब आपकी पूरी विज्ञप्ति थी और ये न्यू वैकेंसी है। और इससे बात करते हैं जो हेड कॉन्स्टेबल और रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर की। तो दोस्तों रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर का जो 2 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट आपका 20 मार्च को ही आने वाला है। उसका रिजल्ट 20 मार्च को आने वाला है। अब रिजल्ट आगे खिसकने वाला नहीं है क्योंकि पहले से ही जो सभी नोटिफिकेशन और जो फिजिकल डेट थी, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर था, वो पहले ही एक बार आगे हो चुका है, एक्सपेक्टेड हो चुका है। अब हर बार एक्सपेंडेड होने वाला नहीं है, तो आपका 20 मार्च को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों तब तक इंतज़ार कीजिए और मेडिकल की तैयारी में लग जाएं। मेडिकल के लिए मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो तो हमें आप कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।